वक्त और किस्मत कब करवट ले ले कोई नहीं जानता। ऐसा ही कुछ हुआ है बिहार के वायरल सिंगर अमरजीत के साथ। आपको फिल्म में गाने का मौका मिल गया, क्या आपने सोचा था कि कभी रातों रात आप स्टार बन जाएंगे? मैं सबसे पहले मैं स्टार हूँ नहीं और नहीं मैंने सोचा था स्टार बनूंगा। बस लोगों का मुझे प्यार चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और साथ चाहिए, बस इतना ही मुझे चाहिए जी। और रातों रात स्टार का मतलब ये नहीं कि वायरल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे वायरल होना है। अगर वायरल होना होता तो मैं पहले हो जाता। मैं 6-7 साल से मैं म्यूज़िक को जीते सीखते और करते हुए आ रहा हूँ। आप पहले भी म्यूजिक गाते थे, जैसा है कि 7 साल से आप रील्स बना रहे थे। रील्स नहीं, मैं प्रैक्टिस करता था और वीडियो अपलोड करता था जी। लेकिन आपको गाना में जो एक अचानक से बदलाव आया, आपके ज़िंदगी में जो बदलाव आया वो एक गाने के साथ आया, क्या आपने कभी सोचा था? आपने जो वो शब्द बोला, कभी सोचा था? मैंने जब मेरा 2017 से मैंने स्टार्ट किया तो मैं यही गाने से थोड़ा सा मैं एक मुकाम हासिल किया था, मैंने विजेता प्राप्त किया था वहाँ पे, तो मेरा गाना वहीं से शुरुआत हुआ। और मुझे क्या पता है कि मेरा वो फर्स्ट गाना मुझे इतना दूर लेके चला आएगा जी। अच्छा, मतलब यही गाना आप पहले भी गाए थे और इसी गाना को आपने फिर से मैंने गाया और वो मैं इंस्टेंट गाया था। मैंने कोई सोचा नहीं था कि मुझे ये गाना है। मैंने बस जस्ट कैमरा निकाला था और बस गा दिया। आपके लाइफ में इस बदलाव के लिए आपकी एक लव स्टोरी सामने आ रही है, क्या है आपकी लव स्टोरी? मैम, लव स्टोरी का तो मामला कुछ नहीं है, लेकिन हर एक के जीवन में एक बेस्ट फ्रेंड होती है या होता है, तो वो भी है, हमारी फ्रेंड ही है, अच्छी फ्रेंड है। तो जब मैं थोड़ा सा डिमोटिवेट था तो वो मुझे जगाती थी, बोलती कि भाई तू कर, मैं तुम्हें गिटार देती हूँ, तू सीख। क्योंकि आप अगर कोई आपके साथ आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है तो आप चाहेंगे कि वो हर एक तरह का चीज़ इंस्ट्रूमेंट चीज़ मतलब बजाना सीखे। तो उन्होंने बस ऐसे ही सपोर्ट किया, लेकिन मीडिया वाले हमारे भैया है, वो थोड़ा सा फोर्स कर दिए तो ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं, आगे क्या होगा आपका, आगे का प्लान क्या है म्यूज़िक में? म्यूज़िक को मैं जीना चाहता हूँ, म्यूज़िक को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अच्छा करेंगे, बिहार के लिए भी कुछ करेंगे और अपने देश के लिए भी कुछ करेंगे। कहते हैं कि अचानक मिली सफलता के बाद लोग में एक अलग सा एक प्राउड टाइप का आ जाता है, अलबलाहट टाइप का आ जाता है, जैसे कि एक रानू मंडल के साथ। अच्छा, नहीं मैम, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं गुमनाम गली से आया हूँ तो मैं गुम हूँगा नहीं, क्योंकि मैं एक गाना भी लिखता हूँ, कंपोजिशन भी करता हूँ, तो वो उनकी महानता थी कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। बस मेरी भी अपनी चीज़ है तो मैं उस चीज़ को रखूँगा। अब लोग मुझे पीछे ले जाए आगे ले जाए वो तो उनकी महानता है, मेरा तो बस काम है कि मैं अपना काम करूँ। हमारे दर्शक को वो गाना आप सुना दीजिए जो इससे पहले आपने कभी गाया नहीं था, जो कभी जो हमारे दर्शक नहीं सुने थे, जो वायरल हुआ जी। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। ये गाना उस लव स्टोरी के किसी चैप्टर से तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है। जो आपको इतना सपोर्ट किया, क्या उसको अपनी लाइफ पार्टनर बनाएंगे या फिर आप जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उसे पीछे छोड़ देंगे? मैम, मेरी एक हर एक मैं देखता हूँ कि जिस किसी को स्टारडम मिल जाती है, सॉरी मैं अपने आप को स्टारडम में नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर लोग अगर मैं अपनी मिट्टी को अगर ज़मीन को अगर भूल जाए, वो सबसे उनकी पहली गलती होती है, क्योंकि पैदा उस ज़मीन पे लेते हैं, उसको भूलना नहीं चाहिए। तो मैं किसी लोग को भूलता नहीं हूँ, मैं सबसे जुड़ के रहता हूँ। तो ये आप कल जा रहे हैं? जी मैम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। तो ये देखिए कि रातों रात वायरल हुए सिंगर जो बिहार के लाल हैं अमरजीत, कल मुंबई जा रहे हैं और वहाँ इन्हें सोनू सूद के गाने फिल्म में गाने का मौका मिला है। ऐसे में आज हमसे मुलाकात हुई और हमें इनसे शुभकामनाएं दी। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए कसे सुन के साथ पट्टा संगीता संगीत।